रुक करते हैं भिवंडी के भंडारी कंपाउंड क्षेत्र की ओर, जहां पर टावरे कंपाउंड में हम आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष भगवान टावरे के कार्यालय पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 21वें वर्धापन दिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जहां पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कई सेल के अध्यक्ष भी वहां पर उपस्थित थे। सबसे पहले तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का वहां पर झंडा फहराया गया। वहां पर आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंस को पूरी तरह से महत्व दिया गया है। विशेष तौर पर हमारे चैनल के संवाददाता से बातचीत के दरमियान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष भगवान टावरे ने भाजपा पर निशाना साधा और क्या कहा, देखिए इस विशेष एपिसोड को। आज जो हमारे पार्टी ऑफिस के ऊपर जो राष्ट्रवादी का झंडा फहराया गया है, भिवंडी ये राष्ट्रवादी का आज वर्धापन दिन है, स्थापना दिवस। 1999 में राष्ट्रवादी पार्टी स्थापना हुई, आज 21 साल हो गए। हमारे पार्टी का आदेश था कि आप 50 लोगों के अंदर कार्यकर्ता को बुला के स्थापना दिवस मनाने का है, क्योंकि कोरोना की महामारी है, सोशल डिस्टेंसिंग है, और इसके वजह से सादे ढंग से इसको पेश मनाया जाए। इसके लिए हम लोग आज कुछ गिने चुने कार्यकर्ता लोग यहाँ पर झंडा फहराने के लिए राष्ट्रवादी का हम लोग सब जमे हुए हैं। रह गया बात कोरोना का महामारी है, पूरा वर्ल्ड में आज कोरोना ने पूरा महामारी ने जो बीमारी फैलाई है, इसके वजह से सब परेशान है, सब पूरा देश परेशान है। हमारे भारत देश में भी लाखों पेशेंट हुए और उसका इलाज करने के लिए सब डॉक्टर, नर्स, हमारे सफाई कर्मचारी, पुलिस, ये सब मेहनत ले रहे, सभी पार्टी के कार्यकर्ता को मेहनत ले रहे। तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्या देश एकजुट होकर ये महामारी से लड़ रहे। मैं इस देखा ही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो काला पट्टी बांध करके विरोध जता रहे महामारी की सरकार, उसको लेकर क्या कहना है? देखो महामारी के जो महामारी चला है महाराष्ट्र में, जो बीजेपी जो अपोजिशन वाली पार्टी है, उन्होंने ये सरकार का निषेध करने के लिए काला पट्टी बांध कर जो निषेध किया, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि आज महाराष्ट्र के साथ में आप लोग खड़ा होना चाहिए था, लेकिन महाराष्ट्र के साथ खड़ा नहीं होते हुए हमारे मजदूर लोग पूरे पैदल चले गए। अगर ये प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करते तो हमारे मजदूर, आज जो लाखों मजदूर पैदल गए वो जाते नहीं और बहुत सी जाने गई, ये डिसीजन उन लोग लेना चाहिए था। आज महाराष्ट्र के साथ खड़ा रहना चाहिए था, लेकिन इन लोग महाराष्ट्र सरकार को सपोर्ट नहीं देते हुए ये पीएम फंड में पैसा भेज रहे, लेकिन महाराष्ट्र की जनता के लिए कुछ कर नहीं रहे। आज महाराष्ट्र की जनता जो परेशान है, इंडस्ट्री बंद हुई है, उसके बारे में कुछ नहीं सोच रही है बीजेपी सरकार। इन्होंने आमदार फंड जो मीडिया के ऊपर ऐलान किया, इन्होंने क्या पीएम फंड में पैसा भेजो जिसका हिसाब ही नहीं मिलता है, ऐसे जगह पे पैसा भेजो और कोई गरीब को पैसा ये काम नहीं आ रहा है। तो मैं बीजेपी जो गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट और महाराष्ट्र की बीजेपी, इनका मैं पूरा निषेध करता हूँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का आज जो वर्धापन दिन है, जिसको आज 21 साल हो गए स्थापन होकर के, हमारे भिवंडी के राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान भगवान जी टावरे साहब ने सभी कार्यकर्ताओं को आज सुबह में आदेश दिया। कल से वही प्रोग्राम चल रहा था और आदेश देने के बाद हम कुछ गिने चुने कार्यकर्ता, जो पार्टी ने हमको इंस्ट्रक्शन दिया था उस हिसाब से हम गिने चुने कार्यकर्ता आके आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का झंडा फहराया। और हम इस पार्टी की ओर से हम इस महामारी के जो चल रही है दौरान में वो उसके लिए हम सभी देशवासियों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं पार्टी की वती से कि जो भी सरकार के इंस्ट्रक्शन है उसका अमल करें और पार्टी का जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अपोज में जो भी बीजेपी सरकार, बीजेपी के अपोजिशन पार्टी वाले जो कर रहे हैं वो गलत है, उसका मैं निषेध करता हूँ। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ, तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज टीवी न्यूज़। धन्यवाद।